आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से जो है जेपी यूनिवर्सिटी के जो बीए का एग्ज़ाम होता है हिस्ट्री पेपर वन के लिए उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बने रहेंगे आप हमारे साथ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वह 31 अक्टूबर को ही है। तो आप जो है इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लें जो कि आपके जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। और यह जो है पिछले 5 वर्षों में जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उस टॉपिक को लिया गया है। और यह टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में बस 1 वीक बाकी है। तो 1 सप्ताह में जो है इन सारे टॉपिक्स को जो है आप पढ़ ले और अच्छे से नंबर गेन कर ले। तो पहला जो टॉपिक है वह है प्राचीन भारतीय इतिहास एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि। जो प्राचीन भारतीय इतिहास थी इसके बारे में आपको पूछेगा, और इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछ सकता है। और यह क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछा हुआ है इस टॉपिक से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, यह तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे जो है हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछते ही की है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी और नगरी जो शहर थी वो कैसी व्यवस्था थी, सिंधु घाटी के जो घर बने हुए थे उसका क्या विशेषता था, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है आपको वैदिक सभ्यता के बारे में भी प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी उनके जीवनी है, उनके ज्ञान है, उनका उद्देश्य क्या है या उनका शिक्षाओं का वर्णन क्या है, उन सारी बातों को आप पढ़ लें। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो है एक प्रश्न आपको मिलेगा। नेक्स्ट है महावीर, तो महावीर से भी रिलेटेड जो है एक ना एक प्रश्न मिलेगा ही कि महावीर के जीवन क्या था, जीवन शैली के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या किया, ज्ञान के उद्देश्य कैसे प्राप्ति हुई, शिक्षाओं का वर्णन, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आपसे पूछ सकता है। तो आप जो है महावीर से रिलेटेड जितना भी जो है उनका हिस्ट्री है वो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता ही है। नेक्स्ट है धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं उससे रिलेटेड जो है प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मौर्यकालीन समाज, इनके जीवन व्यवस्था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्यकालीन समाज की जीवन व्यवस्था कैसी थी, तो इसे यह भी क्वेश्चन जो है और यह भी पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट है सिकंदर महान एवं आक्रमण, सिकंदर महान की जीवनी के बारे में पूछ सकता है एवं उसने आक्रमण क्या किया था, कब कैसे किया था, इसके बारे में जो है पूछ सकता है। यह भी क्वेश्चन और यह भी टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह सब सारे टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य और चोल वंश, ये भी से जो है एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। नेक्स्ट है मगध सम्राटे, मगध से भी पूछ सकता है कि मगध सम्राटे का उदय कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, इससे पूछ सकता है। नेक्स्ट है अशोक के बारे में पूछ सकता है, कनिष्ठ के बारे में पूछ सकता है और सातवाहक के बारे में पूछ सकता है। यह तीनों टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में जो है इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन, यह जो तीनों कालीन है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाणकालीन, तो इससे भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके पहले वाले साल में जो है 2019 और 2018 के एग्जाम में जो है पूछा हुआ था फर्स्ट ईयर के एग्जाम में। नेक्स्ट है महाजन पदों का उदय, यह कैसे हुआ, इसके बारे में पूछ सकता है। तो यह जो टॉपिक था काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो